नमस्कार दोस्तों, द फैक्ट टाइम में आपका स्वागत है। सेंट डॉक्टर गुरमीत राम रेम सिंह जिंसा व डेरा सच्चा सौदा के बारे में रियल फैक्ट जानने के लिए हम पब्लिक सर्वे कर रहे हैं। जानते हैं पब्लिक से कि डेरा सच्चा सौदा व सेंट डॉक्टर गुरमीत राम रेम सिंह जिंसा के बारे में इन लोगों का क्या मानना है, क्या आस्था है। नमस्कार मैम, क्या नाम है आपका? मेरा नाम राजवीर कौर है। क्वालिफिकेशन क्या है? मैं प्लस वन में हूँ। मैम कौन से स्कूल में स्टडी करते हो आप? मैं गवर्नमेंट स्कूल में स्टडी करती हूँ। मैम डेरा सच्चा सौदा संस्था को कितने समय से जानते हो आप? हमें बहुत ही टाइम हो गया है इस संस्था पे जुड़ी को, क्योंकि मैं ये मानती हूँ कि अगर इस डेरे में नहीं कोई आया तो कहीं पे भी कोई जा नहीं सकता। मैम कैसा लगता है आपको? आपका परिवार भी आता है यहाँ पर? यस। कैसा माहौल लगता है आपको? हमें बहुत अच्छा लगता है, यहाँ पे आके हम रिलैक्स फील करते हैं। बीइंग गर्ल कैसा महसूस करते हो? बहुत अच्छा लगता है, यहाँ पे बहुत बहुत गर्ल्स सेफ है यहाँ पे, मतलब कि सारा कुछ ही अच्छा है। लेकिन मैम पीछे की बात की जाए, मीडिया में बहुत अलग दिखाया जा रहा था, बहुत ही गलत था। लेकिन मैं कहती हूँ कि ऐसा कुछ नहीं है इस डेरे में, क्योंकि हम रहे हैं, हमारे गुरुजी पे गलत आरोप लगाए गए हैं, हम कह रहे हैं लेकिन कोई मान नहीं रहा, हमें पता है। ऐसा क्यों किया गया, मतलब क्यों गुरुजी के ऊपर गलत आरोप लगाए जा रहे हैं? ये थोड़े जो होते हैं ना, मतलब कि घृणा करने वाले लोग पिताजी से कोई करते हैं, बहुत ही करते हैं, क्योंकि वो अच्छे काम कर रहे हैं। इसलिए कैसे काम किए हैं अच्छे उन्होंने? बहुत ही अच्छे काम किए हैं, सफाई अभियान चलाया है लड़कियों के लिए, बहुत ही अच्छे स्कूल खोले हैं, कॉलेज खोले हैं, मतलब कि बाहर जाके उन्होंने बहुत ही जागरूक किए हैं लोग। 3-4 सालों से देखा जाए अब संत जी समाज में नहीं है, अब क्या प्रभाव पड़ रहा है समाज के ऊपर? बहुत ही गंदा असर पड़ रहा है, क्योंकि अब बहुत ही बुराइयां चल पड़ी हैं, उनके बिना कुछ नहीं है यहाँ पे। अगर वो होते वो सारी बुराइयों को कर देते, उनको आना चाहिए अब वापस। ज़रूरत है समाज को, बहुत ज़रूरत है। गुरुजी समाज में आ जाते हैं तो क्या बदलाव होगा? बहुत बदलाव हो जाएगा, मतलब कि अगर वो आ जाए ना सारा समाज सुधर जाएगा। क्या मांग करना चाहोगे सरकार से? हम कहेंगे सरकार को कि प्लीज़ हमारे गुरुजी को वापस भेज दो, हमें बहुत ज़रूरत है अपने गुरुजी की, और हम ये बहुत ही रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि प्लीज़ प्लीज़ हमारे गुरुजी को वापस भेज दो। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों, आपको लगातार हम सीधी बातचीत दिखा रहे हैं उन लड़कियों के साथ जो डेरा सच्चा सौदा में काफ़ी लंबे समय से जाती हैं। आप लोग खुले दिमाग से सोचिए आखिर सच क्या है, वह चंद सुरकर जा वह लोग डेरा सच्चा सौदा के साथ काफ़ी लंबे समय से जुड़े हुए हैं। आप लोग अपनी राय खुले दिमाग से सोच के कमेंट बॉक्स में जरूर डालिए। देखते रहिए द फैक्ट टाइम, और सच का साथ देने के लिए, सच के सोच को मुहिम को आगे लेके जाने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत धन्यवाद।